ओम शांति। सभी बोलेंगे ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व की बहुत बहुत बधाइयाँ हों। आज पूरे भारतवर्ष में के साथ सिर्फ श्री कृष्ण जन्माष्टमी हम सब मना रहे। वैसे तो भारतवर्ष में हर दिन कोई न कोई पर्व है, लेकिन उसमें भी विशेष श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व कितनी धूमधाम से हम मना रहे। बाजारों में देखो कितनी दुकानें सजी हुई हैं, मंदिरों में झांकियां लगी हुई हैं, घर घर में झांकी सजा रहे, और कितने खुशी से हम व्रत करते हैं। श्री कृष्ण का नाम आते ही हमारे आँखों के सामने श्री कृष्ण मोर मुकुटधारी मेरे मस्तक पटल पर आ ही जाता है, कितनी खुशी होती है। लेकिन कभी ये सोचा कि श्री कृष्ण के साथ हमारा इतना प्यार क्यों है? जयंतियाँ तो और भी मनाते हैं, लेकिन जितनी धूमधाम से श्री कृष्ण की जयंती मनाते हैं, इतनी और जयंतियाँ नहीं मनाते हैं। आखिर क्या श्री कृष्ण ने ऐसा किया है जो श्री कृष्ण की जयंती इतने धूमधाम से मनाते हैं? जबकि श्री कृष्ण के साथ श्री राधे का भी नाम आता है, लेकिन राधे की जयंती इतनी धूमधाम से नहीं मनाते जितनी कि श्री कृष्ण की मनाते हैं। और दिखाया भी, अगर हम ये रहस्य जान जाएं कि क्यों मनाते हैं, तो हमारा भी जीवन अच्छा हो जाए। हम आधा कल्प से व्रत गायन पूजन करते चले आ रहे, लेकिन श्री कृष्ण जैसा बन तो नहीं पाए। चाहते सभी हैं कि हम श्री कृष्ण के साथ वैकुंठ में जाएं। तो कौन सा ऐसा कर्तव्य श्री कृष्ण ने किया है जो ऐसे पूजनीय बने? अगर हम सब भी ये समझ जाएं और हम सब भी वही का करें जो श्री कृष्ण ने किया, तो हम सब भी श्री कृष्ण के वैकुंठ में सत्युग में जाने के लायक बन जाएं। जाना चाहते सभी सत्युग में? जाना चाहते? नहीं जाना चाहते? जाना तो चाहते हैं ना। श्री कृष्ण को आज जो झांकी सजाते इतना सुंदर देखते हैं, तो क्या ये अंदर में आता नहीं कि हम भी काश श्री कृष्ण के साथ होते तो कितना अच्छा होता? आता है? तो आप सब श्री कृष्ण कैसे पहुंचे, श्री कृष्ण इतने ऊंचे कैसे बने, हम सबको भी करना चाहिए। लेकिन इन बातों को न जानने के कारण एक जैसे रस्म बन गई है ना, हर एक की जयंती मनाना, उसी रस्म के अनुसार हम श्री कृष्ण के भी जयंती मनाते हैं। और दिखाया श्री कृष्ण को कंस के कारावास में दिखाते, उनका जन्म हुआ कहाँ हुआ? जेल में जन्म हुआ। आप समझ सकते हो जिनको वैकुंठ नाथ कहते हैं, जो स्वर्ग में होगा सतयुग में होगा, वहाँ कोई जेल होगी क्या? कभी विचार किया वहाँ कोई जेल हो सकती है? और वो भी दिखाया कि जेल में भी कितने बंधन में थे, 7 तालों में बंद किया गया, ऐसी जेल में थे। तो सचमुच निराकार परम पिता परमात्मा इस अज्ञान अंधेरी रात्र में, और जन्म भी दिखाया अंधियारी रात्र में, और उस समय दिखाया बिजली चमक रही है, ये सारी बातें दिखाई है ना। तो इस समय की बात है कि अज्ञान अंधेरी रात में निराकार परम पिता परमात्मा शिव का अवतरण होता है,
और निराकार परमात्मा ने जो ज्ञान राजयोग की शिक्षा दी, जिससे कि श्री कृष्ण के बंधन कटे, दिखाया नहीं, फिर क्या हुआ, सारे ताले भी खुल गए और जेल से कहाँ पहुँच गए, जमुना पार भी कर लिया और गोकुल पहुँच गए। गोकुल माना कहाँ पहुँच गए, स्वर्ग में, सतयुग में पहुँच जाएंगे। हमारे भी सब बंधन काटने वाला, ऐसे तो वो कृष्ण को ही भगवान समझकर समझते हैं, उसी ने मुक्ति दी थी। लेकिन हम सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति देने वाला स्वयं निराकार परमपिता परमात्मा अवतरित होकर जो राजयोग की शिक्षा दे रहे हैं, इस शिक्षा से ही हम मुक्त जीवन मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। तो जो श्री कृष्ण के सारे रहस्य बताए गए, उनका नाम भी बताया गया मनमोहन, सबके मन को, सबके मन को मुक्त करने वाले। उनको कहा गया है चित्त चोर, सबका मन आकर्षित करता है ना। जो भी नाम है गुणों के आधार पर, उनको याद भी करते हैं तो गुणों के आधार पर हमारा श्री कृष्ण के साथ इतना प्यार है। तो हम सब भी जो श्री कृष्ण के अंदर गुण है अपने अंदर धारण करें। श्री कृष्ण के लिए कहा गया वो सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण संपूर्ण विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम अहिंसा परमो धर्म। ये श्री कृष्ण की जो महिमा की गई है, वह हम सब इस समय ऐसे बन सकते हैं श्री कृष्ण के साथ, श्री कृष्ण की दुनिया में, सतयुगी दुनिया में जा सकते हैं, अगर हम सच्चे अर्थों में श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाएंगे। सिर्फ व्रत कर लेने से, झांकी सजा लेने से, झांकियां देखने से नहीं बन सकेंगे, जब तक अपने अंदर अंदर ये गुण आए हैं। जो श्री कृष्ण के गुण हैं वो हमें धारण करने। उनको कहा गया मुरली मनोहर, मुरली, मुरली से प्यार। अब उस समय मुरली के लिए गोपियां जो भागती थी, दिखाया तो कोई काठ की मुरली की बात नहीं है। मुरली जो परमात्मा ने आकर यहां महावाक्य उच्चारण किए, इसलिए कहा गया है मुरली कोई काठ की मुरली की बात नहीं है। मुरली से ही वो ऐसे बने, मुरली का मनन चिंतन करके ही श्री कृष्ण ऐसे दैवी गुणों वाले बने। तो हम सबको भी मुरली से प्यार होना चाहिए। कहा भी गया है, देखो राधा जी का कितना प्यार दिखाया गया श्री कृष्ण के साथ, सभी गोपियों, इसलिए राधे के साथ कृष्ण लगाया गया, गोपी कृष्ण कहा गया, और उनको मित्रता के लिए भी दिखाया कि मित्रता भी कैसी उनकी, उनकी अर्जुन के साथ मित्रता दिखाई गई, उद्धव के साथ मित्रता दिखाई गई, सुदामा के साथ मित्रता दिखाई गई। सुदामा के अंदर आया, वो तो कुछ लेने गए थे लेकिन देखा कि कुछ मिला ही नहीं, लेकिन जब लौट कर आए तो क्या दिखाया, पूरे महल ही कैसे बन गए, सतयुगी दुनिया बन गई। तो सचमुच अब ये गायन किसके लिए है, कान्हा कहते हैं ना, आनंद कृष्ण जो कहते हैं ना, आनंद के लिए। ये भी महिमा निराकार परमात्मा की ही है। लेकिन कई बार होता है बाप और बच्चा, बाप की तरह ही बच्चा होता है तो कहते हैं पूरा बाप जैसा है, इसलिए हमें भी अपना जीवन बनाना। जो भी उनके नाम श्री कृष्ण को कहते हैं ना, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा, तो श्री कृष्ण ही नारायण बनते हैं। लेकिन श्री कृष्ण को दिखाया द्वापर में और नारायण को दिखाया सतयुग में। श्री कृष्ण का आध्यात्मिक कैसे ये
जन्मोत्सव मनाया जाए, उसका अगर आध्यात्मिक रहस्य जानकर हम उत्सव मनाएंगे तभी सार्थक होगा और हम सब कृष्ण की दुनिया में जा सकेंगे। अच्छा, ओम शांति।